नमस्कार प्रिय साथियों, मैं मानस मिश्रा, आप सभी का सीयूटी पाठशाला में स्वागत है। अब हम लाए हैं इस प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनके माध्यम से आप हिंदी साहित्य के ऐसे तमाम प्रश्न जो अनसुलझे रह गए थे या कभी आपके दिमाग में चल रहे होंगे, तो उन सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। धीरे धीरे ये श्रृंखला जो है बढ़ती चली जाएगी, 20-20, 25-25 प्रश्नों की श्रृंखला होगी एक एक वीडियोस की, और जिनके माध्यम से हम जानेंगे कि हिंदी साहित्य का जो पूरा इतिहास है 1000 वर्षों का, किस किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं और किस प्रकार से परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन सभी संभावनाओं के साथ और उन सभी योजनाओं के साथ आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो निराला बैच जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, वो लोग बैच ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर क्लासेस, बहुत सारी वीडियोस शुरू हो चुकी हैं, लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, टेस्ट भी वहां पर हो चुके हैं। तो जो भी साथी अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग ज्वाइन कर लीजिए, ज्यादा है भी नहीं, 1999 अभी ऑफर चल रहा है। और इसमें पार्ट वन पार्ट टू बहुत क्लासेस आपकी चलाई जाएंगी और मेरे द्वारा संचालित कक्षाएं हैं। और ये जो भी रजिस्टर करना चाहे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दे अपना नाम, कोर्स पीजी हिंदी और निराला बैच, वहां पे लिख दीजिएगा निराला बैच। ओके, तो आपको तुरंत वहां पे डिस्काउंट दे दिया जाएगा। आज के प्रश्नोत्तरी की हम बात कर लेते हैं कि जो विगत वर्षों में पूछे जा रहे हैं बार बार। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास स्वार्थलित्य और एंदो इंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? तो विकल्प है आपके सामने जर्मन, फ्रेंच, जापानी या अंग्रेजी। तो आप सभी को बताना है किस भाषा में है, जर्मन, फ्रेंच, जापानी या अंग्रेजी। देखिए, जैसा कि प्रथम इतिहास ग्रंथ है स्वार्थलित्य और एंदो इंदुस्तानी, एक क्वेश्चन सीरीज हमने पिछली भी अपलोड की थी, उसमें द, ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, द ला लित्य, ठीक है, तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द हो जाएगा। और ये किसका है ग्रंथ, किसका है ये, गार्सादा तासी, किसका ग्रंथ है ये, गार्सादा तासी का ग्रंथ है, ठीक है। गार्सादा तासी पहले साहित्य इतिहास लेखक के रूप में हमारे सामने आते हैं, क्योंकि साहित्य इतिहास लेखन का जो तात्पर्य है वह है कि साहित्य के इतिहास का जो लेखन है वह सर्वप्रथम किसने किया है, तो वो तासी जी ने किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किस इतिहासकार ने किया है? हिंदी साहित्य के काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास जो है किस इतिहासकार ने किया है, काल विभाजन का, शिव सिंह सेंगर, गार्सादा तासी, मिश्र बंधु या जॉर्ज ग्रियर्सन। चार विकल्प आपके सामने है, शिव सिंह सेंगर, गार्सादा तासी, मिश्र बंधु और जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। देखिए, शिव सिंह सेंगर का एक ग्रंथ था शिव सिंह सरोज, आप सभी को ये ग्रंथ याद होंगे। दूसरा गार्सादा तासी का भी हमने बताया, स्वार्थलित्य और एंदो इंदुस्तानी भी बताया हमने। मिश्र बंधु विनोद, और जो जॉर्ज ग्रियर्सन का था वो था मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और ये 1888 में आया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कहां से प्रकाशित हुआ था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ग्रंथ इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन का, 1888 में प्रकाशित हुआ था, क्योंकि काल विभाजन की दृष्टि से पहली बार जॉर्ज ग्रियर्सन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला जो प्रश्न है,
तीसरा प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा किस विद्वान ने दी? सिद्ध सामंत काल अर्थात जिसमें सिद्ध और सामंत रहा करते थे। सिद्ध सामंत काल कहने वाले कौन है? राहुल संकृत्यायन है, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। तो चार विकल्प आपके सामने है कि किस रचनाकार ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी। तो जो इसके सही विकल्प होगा वह है राहुल संकृत्यायन ने। राहुल संकृत्यायन जी ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है, ठीक है। और राम कुमार वर्मा जी ने क्या कहा है? संधि एवं चारण काल। देखिए, यदि यहां से प्रश्न बनता है तो यह मत मानिए कि यहां से प्रश्न नहीं बन सकता है। देखिए, राहुल जी ने क्या कहा? सिद्ध सामंत काल कहा। राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है? यह भी प्रश्न बन सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है? यह भी प्रश्न बन सकता है। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? यह भी प्रश्न बन सकता है। इसलिए जितने भी प्रश्नों की गुंजाइशें हैं वो हम लोग यहीं पर उनको लिख लेते हैं। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है। यदि कोई पूछे कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीर गाथा काल की संज्ञा दी है। किसकी? वीर गाथा काल की संज्ञा दी है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल में या आदिकाल को कितने प्रकरण में बांटा है? आदिकाल को कितने प्रकरण में बांटा है? आप सभी बताइए कितने प्रकरण में बांटा है। कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग कि आदिकाल को कितने प्रकरण में बांटा है। आगे जो प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा विरचित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या है? हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या है, ये आप लोगों को बताना है। 1880, 1919, 1929 या 1936। आप सभी बताइए, ये विकल्प आप सभी के सामने है कि 1880, 1919, 1929 या 1936। तो जो इसका सही उत्तर है वह है 1929। और ये किस रूप में प्रकाशित हुआ था? यह एक हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। किसमें? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। ओके, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। कब? 1929 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तबीयत ठीक है नहीं है। साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है। और जब साहित्य इतिहास लेखन की हम कक्षा ले रहे थे तब हमने ये कथन बार बार आपसे रिपीट किया था ताकि आप सभी को याद हो जाए। तो आपको बताना है किस विद्वान का कथन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या गणपति चंद्र गुप्त। निम्नलिखित में से यह जो कथन है किसका कथन है? तो देखिए, जो प्रत्येक समाज प्रत्येक देश की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है साहित्य, और जैसे जैसे जनता की चित्रवृत्ति बदलती है वैसे वैसे हमारा साहित्य भी बदलता चला जाता है। तो यह जो कहा है यह शुक्ल जी ने, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें उसकी भूमिका में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके बारे में जिक्र किया है। संतन को कहां सीकरी को काम, संतन को कहां सीकरी सो काम, कपड़े आते जाते टूट फूट गए और प्रभु का नाम भूल गए। ये पंक्तियां किस कवि ने लिखी हैं? देखिए, प्रश्न नंबर 6 है और ये PYQ चल रही है। ये 2022 के प्रश्न है सभी के सभी। क्या है? 2022 में पूछे जाने वाले प्रश्न सभी के सभी। तो आप सभी को बताना है, संतन को कहां सीकरी सो काम, कपड़े आते जाते टूट फूट गए और प्रभु का नाम भूल गए, ये पंक्तियां किस कवि ने लिखी हैं? नाभादास, सूरदास, परमानंद दास या कुंभन दास। तो इसका जो सही विकल्प है, संतन को कहां सीकरी सो काम, अकबर जो है, अकबर कुंभन दास के पास जब गए थे, सीकरी गए थे, तो वो बोलते हैं कि संतन को कहां सीकरी सो काम, तब ये कहा गया था। किसने? कुंभन दास ने कहा था। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से स्त्री संप्रदाय का आचार्य किसे माना जाता है? स्त्री संप्रदाय, देखिए हमारे जो भक्ति आंदोलन है, भक्ति आंदोलन में मुख्यतः चार
संप्रदाय हुए थे, निम्बार्क संप्रदाय, श्री संप्रदाय भी उन्हीं में है, ठीक है। रामावत संप्रदाय भी था जिसमें रामानंदी संप्रदाय भी कई लोग बोलते हैं। तो इसमें श्री संप्रदाय जो है यह किससे संबंधित है, रामानंद जी से, रामानुजाचार्य जी से, वल्लभाचार्य जी से, या फिर निम्बार्काचार्य जी से? आप सभी को बताना है, चार विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही उत्तर है, देखिए रामानंद जी जो थे वो हमारे जो कबीर हुए तो उनके गुरु जी हुए, रामानुजाचार्य जी जो थे, रामानुजाचार्य जी ने एक परंपरा चलाई थी जिसमें हमारे रामानंद भी आते हैं, इसको वल्लभाचार्य और निम्बार्काचार्य। तो जब हम भक्ति आंदोलन की जब बात करेंगे उस समय हम इस प्रश्न को आप लोगों को बताएंगे, लेकिन अभी ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। कहेंगे सर शौक दे दिए, हाँ आपके लिए प्रश्न है, आप लोग इसको बताइएगा। निम्नलिखित में से हालावादी कवि कौन है? तो ये बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, यह भी आप लोग करके आइएगा। तो दो प्रश्न हमने आप लोगों को होमवर्क में दिए हैं कि एक स्त्री संप्रदाय का के आचार्य कौन है और दूसरा प्रश्न है हालावादी के कवि कौन है। यदि आपको आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नागार्जुन, हरिवंश राय बच्चन, सर्वेश्वर दया सक्सेना, या फिर धूमिल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रीति सिद्ध धारा के कवि कौन से हैं? इसके साथ ही आप लोगों को यह भी बताना है कि रीति काव्य जो है, रीति काव्य में कितने प्रकार की धाराएं चली, धाराएं कितनी चली, कितने प्रकार की, ओके। तो इसका जो सही आंसर है, रीति सिद्ध कवि हमारे बिहारी हैं, ठीक है। केशवदास रीतिबद्ध कवि हैं, क्या है, रीति बद्ध कवि, और ये रीति मुक्त कवि, रीति मुक्त या स्वच्छंद कवि, ठीक है। अगला प्रश्न जो है वह है कि प्राकृत पेंगलम में संकलित कवि नहीं है, प्राकृत पेंगलम एक ग्रंथ है, ठीक है, इसमें कौन से कवि नहीं है, विद्यापति, बब्बर, विद्याधर या जज्जल? आप जल्दी से बताइए इसमें कौन से कवि नहीं है। तो हमने जैसा कि आदिकाल में पढ़ा था कि प्राकृत पेंगलम के जो रचनाकार थे वह कौन थे, लक्ष्मीधर, ठीक है। तो विद्यापति तो मैथिली है, मैथिली है, ठीक है। बब्बर, विद्याधर और जज्जल का जिक्र जो है प्राकृत पेंगलम की टीका में मिलता है हमको। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले ते बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को, पंक्तियां किस कवि की हैं? आप सभी तुरंत ही समझ गए होंगे कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। तो बहुत अच्छा ये एक पद्यांश है, एक कुछ पंक्तियां हैं, ये किस कवि की हैं? जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेव वर्मा या सुमित्र नंदन पंत? छायावाद यदि आप पढ़ते हैं तो छायावादी कवियों में ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि जो है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्र नंदन पंत जी की एक रचनाएं हैं और उन्हीं की ये पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, 12वां के भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, भारतवर्ष का लोकनायक। तो यहाँ पर एक शब्द है लोकनायक और दूसरा शब्द है समन्वय, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है विश्वनाथ त्रिपाठी, बच्चन सिंह, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक कथन है, जो कि ये तुलसी के संदर्भ में कहा गया है। किसके संदर्भ में, तुलसीदास के संदर्भ में, तुलसीदास जी के संदर्भ में कहा गया है। आगे हम बात कर लेते हैं कि नाथ पंथ का प्रवर्तक किसे माना गया है। देखिए नाथ पंथ का प्रवर्तक हमने पूछ रहे हैं, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, सत्यनाथ या फिर जलंधरनाथ। तो निम्नलिखित में से कौन नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं? हमने आप लोग बताया था कि नाथ जो संप्रदाय था, नाथ संप्रदाय की स्थापना जो है मत्स्येंद्रनाथ जो गोरखनाथ के गुरु थे, लेकिन हमने प्रवर्तक आचार्य पूछा है तो प्रवर्तक आचार्य में गोरखनाथ सही विकल्प के रूप में चुने जाएंगे।
आगे जो अंतिम प्रश्न है, सप्तैया के दोहरे ज्योनाव के तीर देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है और ये दोहा किस कवि का है? देव बिहारी सेनापतिया घनानंद। तो ये आपके लिए है कि ये जो विकल्प है किसका है। आप सभी लोग इसी श्रृंखला के साथ जुड़े रहिए और अगली जो वीडियो होगी उसमें फिर से हम जो विगत वर्षों के प्रश्न है उनको हल करवाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, निराला बैच के साथ और सीयूटी पाठशाला के साथ। हर हर महादेव साथियों, नमस्कार।